So guys, do you know what hurts more than a breakup? Let me show you. भाई दिस अपनी गाड़ी का ना यार एक्सीडेंट हो गया है थोड़ा सा, और ये देख रहे हो फेंडर पे डेंट आ गया है, एंड ये भाई पूरा अंदर तक स्क्रैच है, तो ना इसको भाई पेंट भी करवाना पड़ेगा। और भाई जो मेरे को मेन दुख है ना वो अपने हेडलैम्प का है, देख रहे हो यार पूरा चकनाचूर हो गया ये, और ये देखो पूरा टूट चुका है ग्लास। अच्छी बात पता है क्या है, प्रोजेक्टर बच गया है भाई, पर अब ना मेरे को एक कोई लाइट ढूंढ के दोबारा से इसको खोल खाल के प्रोजेक्टर इंस्टॉल करना पड़ेगा। बट चलो यार मैं इस बात से खुश हूँ कि अपना प्रोजेक्टर जो है ना ये बच गया है, और ये जो अपना बम्पर है ना यहाँ भी हल्के फुल्के स्क्रैचेज आए हैं, पर भाई पुराने बम्पर ना यार मतलब देख रहे हो इतना इम्पैक्ट पड़ा है, फिर भी जो बम्पर है ना ये बच गया है। आजकल के नए बम्पर होते हैं ना भाई टूट जाता चटक जाता, नया बम्पर डलवाना पड़ता। सो पुराने जो बम्पर की क्वालिटी होती थी ना बहुत बढ़िया होती थी यार, मतलब बस ये स्क्रैचेज आए हैं थोड़े से इसके अंदर, तो ये सब रिपेयर हो जाएगा। पूरी पूरी लोहे की रॉड, पीछे पूरा थर्माकोल का ना पैडिंग कर रखी है बम्पर को सपोर्ट करने के लिए। सो ना पुराने पार्ट्स की क्वालिटी तो बहुत बढ़िया होती थी यार, ये तो बात माननी पड़ेगी। बम्पर और फेंडर को पेंट कराना पड़ेगा, बाकी हेडलैम्प का थोड़ा सा काम है इसके अंदर। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से देख रहे हो यहाँ से भी थोड़ा सा आउट हो गया है। अब यार चलो गाड़ी चलती है रोड पे तो लग जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, पर बात ये है यार इस बार भी ना गाड़ी मेरे से नहीं लगी है, अपने जो छोटे उस्ताद जी है ना अपने छोटे भाई उन्होंने लगा दी है गाड़ी। एक्चुअली पूरा खेल ना अटेंटिवनेस का है यार, आप कितने अटेंटिव हो रोड पे, अगर आप अटेंटिव हो ना तो आती भी बला को भी टाल सकते हो। आज तक भाई मैंने अपनी गाड़ी पे ना कोई इंश्योरेंस क्लेम वगैरह नहीं लिया है, सारे के सारे पार्ट ओरिजिनल है, बट भाई वही है अब कितना बचा सकते हो आप, अब वही है भाई अपने पास से तो कभी गाड़ी लगी नहीं है, टचवुड भाई यहाँ कर लेते हैं। अच्छा है हुंडई ने यहाँ पे वुडन फिनिश दिया है। अबे साले, तो सबसे पहले तो यार फेंडर ना नया लगाने का कोई फायदा नहीं है, तो इसको डेंट पेंट करवा लेते हैं। तो डेंटर से बात हो गई, डेंटर के पास चलते हैं। हेडलैम्प ना खोल के दोबारा से, पहले भी मैंने प्रोजेक्टर खुद इंस्टॉल किया था इसके अंदर, तो फिर से ना प्रोजेक्टर को खुद इंस्टॉल करूंगा, तो आपको शेयर भी कर दूंगा वीडियो बना के कि कैसे इंस्टॉल करते हैं। अगर आप चाहो ना घर पे भी इंस्टॉल कर सकते हो, कोई ज़्यादा बड़ा टास्क नहीं है, इजीली ना घर पे भी हो जाती हैं चीज़ें। सेकेंड हैंड हेडलाइट ढूंढूंगा, नई लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, वैसे ही मेरे को अंदर से ना ब्लैकआउट करनी है, वो बस कोशिश करूंगा कि ओरिजिनल मिल जाए और जो आउटर ग्लास है ना वो थोड़ी अच्छी कंडीशन में मिल जाए। बाकी तो आपने देख लिया, पेंट वेंट करवाना पड़ेगा उसमें। फटाफट चलते हैं भाई अपने डेंटर के पास, और ना इंट्रो भी शूट नहीं हुआ है आज, तो इंट्रो भी बोल देता हूँ यार। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज मयंक। तो इंट्रो भाई क्या ही शूट करना था आज, वैसे ऐसा लग रहा है भाई किसी ने ना कलेजा बाहर निकाल लिया यार। आपको पता ही है कि जो बंदे अपनी गाड़ी से प्यार करते हैं ना उनको भाई अगर उनकी गाड़ी को कुछ हो जाए ना तो भाई नींद नहीं आती रात को सच में। तो फटाफट इसको रिपेयर करवाते हैं ताकि फिर से ना रातों की नींद वापस आ जाए। ये भाई यहाँ से बिल्कुल 0-0 कर लिया है हमने, यहाँ से ठीक हो गया है जो गैप था ना, और ऑलमोस्ट प्लेन हो चुका है ये। अब बाकी हाथ से ना थोड़ा सा और प्लेन कर देंगे। प्रदीप भाई क्या कह रहा था, मेटल बहुत बढ़िया है इसका? आज ही गाड़ी, आज के कंपैरिजन करें आज ही गाड़ियों से तो हैवी है, मतलब टाइट हार्ट से ऐसे खींचना पड़ रहा है बाहर, है ना। अब बम्पर बच गया ना, बम्पर बच गया। सो भाई ये देख लो, ये फिलहाल जो अपना डेंट था ना वो पूरा निकल चुका है, और अच्छे डेंटर की पहचान भाई यही है कि ना ऐसे डेंट निकालेगा वो, पुट्टी चलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देख रहे हो ये ऑलमोस्ट पूरा बाहर आ चुका है, यहाँ से ना पूरा यहाँ भी सेट हो चुका है, तो ये जो गैप वैप था ना ये बिल्कुल ओके हो चुका है। तो थैंक यू भाई साहब, डेंटर भाई साहब हमारे, थैंक यू। तो भाई ये बम्पर भी सेट हो चुका है अपना, अब बस ये हेडलैम्प रह गया है, हेडलैम्प देखते हैं कि मिलेगा। तो यहाँ पे तो मिला नहीं हेडलैम्प, और जो अपने पुराने हेडलैम्प थे उनको हमने यहाँ अपना बिठा दिया है आराम से। सो गाइज आज है डे 2, एंड कल आपने देखा हमने इसका डेंट निकलवा लिया था पूरा परफेक्टली, ये निकल चुका है, हल्का सा बस मार्जिन छोड़ा है पुट्टी के लिए, बाकी पूरा डेंट ना आराम से निकाल दिया है उस भाई ने, अच्छा काम किया है। यानी जो हेडलाइट है ना कल ये कोशिश करी थी पर अच्छी कंडीशन में नहीं मिली, तो आज दोबारा इसको ढूंढेंगे। एंड ये पूरा जो फेंडर है आज ये पेंट होने वाला है, तो ये दो काम है आज अपने पास। सो गाइस फाइनली ना अपना पेंट का काम चालू हो चुका है यार, और 4-5 घंटे लग जाएंगे यहाँ पे ना पेंट में। तो भाई गाड़ी को यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ मैं, शाम तक गाड़ी वापस मिल जाएगी,
और भाई पेंट बढ़िया क्वालिटी वाला करवा रहा हूँ, 1500 रुपये पर पैनल कॉस्ट बता रहे हैं यहाँ पे, तो भाई पेंट तो बढ़िया वाला ही करवा रहा हूँ। बाकी भाई जब शाम को गाड़ी मिलेगी तब पता चलेगा। सो गाइस अपना पूरा जो फेंडर है ना वो पेंट हो चुका है, ये देखो, एंड सही फिनिश आ रही है, ग्लॉसी फिनिश काफ़ी अच्छी आई है इसमें। अब बस इसका हेडलाइट का काम रह गया है, सो बस वो लगानी बची है, बाकी अभी इसकी रबिंग भी होगी, सो उसके बाद ना थोड़ी सी और क्लियर फिनिश आ जाएगी जैसे यहाँ पे आ रही है बोनट पे। बाकी पेंट मैच हो चुका है ऑलमोस्ट, तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा नीचे तक हुआ है यहाँ पे। ये मास्किंग टेप लगी हुई है यहाँ पे, तो इसको निकाल लेंगे। तो ये अपनी क्रोम फिनिश आ गई अंदर से, क्रोम वैसे ख़राब हो चुका है। चलो यार अब बस हेडलाइट का काम रह गया, अब बस वो उसका जुगाड़ कर लेते हैं फटाफट। काफ़ी मेहनत करने के बाद ना अपने को हेडलाइट्स मिल चुकी हैं, काफ़ी भागा दौड़ी करनी पड़ी, बट भाई इसलिए बोलते हैं सबर का फल मीठा होता है। ये देख रहे हो ओरिजिनल हेडलैम्प्स हैं, डेपो कंपनी के हैं, डेपो और लूमैक्स दोनों इसका OEM पार्टनर है हुंडई का, और भाई बहुत बढ़िया कंडीशन में है, थोड़ी सी गंदी हो रही है, और साथ साथ ना ये मैं स्प्रे पेंट भी ले आया हूँ इसको ब्लैक करने के लिए अंदर से। एक मिनट रुको, मैं ना ये वाली दिखा देता हूँ आपको, मैं ना पेयर ही ले आया क्योंकि भाई दोनों एक साथ मिल रही थी दोनों, तो एक मेरे को कॉस्ट कर रही थी 800 रुपये, तो मैंने दोनों एक साथ ले ली ना, पेयर ले ले तो मेरे को 1500 रुपये का दोनों पेयर मिल गया। एंड कंडीशन देखो यार, थोड़ी सी गंदी हो रही है, थोड़ी सी साफ़ करूँगा ना, मतलब भाई मन भी नहीं कर रहा कि इसको ब्लैकआउट करूँ, बट भाई करनी तो पड़ेगी क्योंकि प्रोडक्ट इंस्टॉल करने हैं इसके अंदर। एंड ये देखो यहाँ पे भी डेपो का मार्क लगा हुआ है यहाँ पे ओरिजिनल का, और नक्के वगैरह देख रहे हो सब बिल्कुल जेन्युइन है, और बल्ब भी लगे मिल गए, बट इसका कोई काम नहीं है अपने को। सो अब ना बस इसका ऑपरेशन करना बचा है, एंड ऑपरेशन करने के बाद ये लाइट हो जाएगी कुछ ऐसी। सो देख रहे हो इसके अंदर मैंने प्रोजेक्टर इंस्टॉल कर लिया है, एक बार आपको इसको बाहर निकाल के दिखा देता हूँ लाइट को कि कैसी लुक आ रही है इसकी। अब ओवरऑल कम्प्लीटली अंदर से हाउसिंग को मैंने ब्लैकआउट कर दिया है, सो काफ़ी अच्छी फिनिशिंग निकल के आई है। एंड ये अपना प्रोजेक्टर, साथ साथ ना ये जो अपनी दूसरी लाइट थी ना इसके अंदर ही मैंने प्रोजेक्टर इंस्टॉल कर लिया, हालांकि टूटी भी नहीं थी, बट फिर लाइट जब खरीदी ली थी तो मैंने सोचा इसके अंदर भी इंस्टॉल कर ही लेते हैं यार, क्योंकि जो अपना पुराना ग्लास था ना वो काफ़ी येलोइश हो गया था। सो दोनों के अंदर मैंने न्यू लाइट्स के अंदर प्रोजेक्टर इंस्टॉल कर दिया है, एंड अब एक बार ओवरऑल लुक देख लो कैसी आ रही है। सो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, ग्लास भी ना बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, सो प्रोजेक्टर अपना प्रॉपर दिख रहा है इसके अंदर। एंड अब भाई बस इसको कार के अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं, एंड अभी फ़िलहाल लुक देख लो अपनी वाइट बॉल की कैसी लुक आ रही है। ओके सो गाइज मैंने फाइनली प्रोजेक्टर इंस्टॉल कर लिया है इसके अंदर, एंड भाई अब मैं ना मैं आपको एक ओवरऑल लुक देता हूँ इसकी कि फाइनली अपनी कार कंप्लीट होने के बाद कैसी लग रही है। सो ये देख लो यार, अब कुछ ऐसी लुक आ रही है अपने प्रोजेक्टर इंस्टॉल होने के बाद। इसके जो ब्लू रिंग्स है वो मैंने ऑन कर रखे हैं फिलहाल, ये देख लो क्लोजअप लुक, काफ़ी बढ़िया लग रही है गाड़ी ब्लैकआउट होके, क्योंकि ग्रिल से ना प्रॉपरली मैच कर रहा है। बस एक छोटा सा काम और रह गया इसमें, जैसे पहले यहाँ पे आईलिड बनी हुई थी ना वाइट कलर की, बस मेरे को वो बनवानी है, उसके बाद फाइनली अपनी कार कंप्लीट हो जाएगी। सो अब ना मैं आपको इसका रात का रिस्पॉन्स भी चेक करा देता हूँ कि अपनी जो HID है वो कैसा परफॉर्म कर रही है, एंड कैसा कटआउट मिल रहा है हमको, एंड कैसी बीम पैटर्न मिल रही है रोड पे रात को ड्राइव करते टाइम। सो अब मिलते हैं डायरेक्टली आपसे नाइट व्यू में। ओके सो गाइज ये है अपना नाइट व्यू, अब मैं आपको इसकी बीम चेक करा देता हूँ। सो ये फ़िलहाल इसकी लो बीम है, कट ऑफ देख सकते हो आप, इसको मैंने परफेक्टली अलाइन कर लिया है ताकि ऑनकमिंग ट्रैफिक की आइस पे ना पड़े, एंड सफिशेंट है लो बीम भी इसकी। एंड मैं आपको हाई बीम चेक कराता हूँ एक बार। सो ये देख लो ये इसकी हाई बीम है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है इसका, काफ़ी ब्राइट है लाइट। एंड अब मैं आपको इसका रिस्पॉन्स ना रोड के ऊपर चेक कराता हूँ एक बार कि रोड पर कैसी बीम पड़ रही है। अब मैं आपको ना रोशनी चेक करा देता हूँ कि अपनी जो बीम है कैसी पड़ रही है रोड पे। ये फ़िलहाल जो है ना अपनी लो बीम काम कर रही है फ़िलहाल बस, है ना, पैटर्न देख लो, कट ऑफ बहुत बढ़िया बन रहा है ऑनकमिंग ट्रैफिक के ऊपर ना, आईज़ में स्ट्रेन नहीं डालेगा ये, ऐसी कुछ लुक आ रही है अपनी फ्रंट से। सो अब मैं गाड़ी के अंदर चल के आपको बीम दिखा देता हूँ इसकी, ये फ़िलहाल लो बीम है इसकी, दोबारा से आपको बता देता हूँ। ये देख लो ये यहाँ पे इसके बाउल्स बन रहे हैं रिफ्लेक्ट इसके प्रोजेक्टर्स के,
एंड ये अपनी लो बीम है। अब गाड़ी के अंदर की तरफ चलते हैं एंड वहाँ से बैठ के आपको रिस्पॉन्स चेक करा देता हूँ लाइट्स का। सो ये फ़िलहाल अपनी सिर्फ लो बीम के अंदर है गाड़ी, ठीक है। अब मैं एक बार आपको हाई बीम करके दिखाता हूँ। सो ये इसकी हाई बीम है, जो फिलहाल मैं बल्ब्स यूज़ कर रहा हूँ वो है 35 वॉट के। मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर एक वीडियो बना दी है कि आपको क्यों ज़्यादा हाई वोल्टेज के बल्ब यूज़ नहीं करने चाहिए, उससे ना आपका जो रिफ्लेक्टर बाउल होता है वो ख़राब हो जाता है। सो उस वीडियो का लिंक दे दूंगा ऊपर आई बटन में, वहाँ से आके आप वीडियो चेकआउट कर सकते हो, उसका लिंक मिल जाएगा आपको ऊपर। तो भाई 35 वॉट HID ना काफ़ी होती है, ऐसा कुछ इसका कट ऑफ है। फिलहाल लो बीम के अंदर है गाड़ी अपनी एंड अब मैं आपको हाई बीम करके दिखाता हूँ। सो ये इसकी हाई बीम है, जो ये वाला राइट हैंड साइड वाला पोर्शन होता है ना, ये अपना थोड़ा नीचे होता है अपने राइट हैंड ड्राइव के हिसाब से, ताकि जो ऑनकमिंग ट्रैफिक है उसके ऊपर लाइट ना पड़े। एंड अपना जो ये लेफ्ट पोर्शन होता है थोड़ा रेज्ड होता है ये, ताकि भाई जैसे यहाँ से अभी कुत्ता आया है या ऐसे कोई गाय वगैरह आ जाए तो आपको पता चल जाए। सो इसलिए ये पोर्शन थोड़ा सा रेज्ड रहता है। काफ़ी अच्छा बीम पैटर्न है यार, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इससे ज़्यादा वॉट का HID बल्ब या LED बल्ब लगाने से, क्योंकि भाई उससे ना फिर आपका नुकसान ही होता है लॉन्ग रन में। ये देखो ये अपनी लो बीम एंड अब वो आगे वाला बोर्ड देखना, जैसे मैं हाई बीम करूँगा ना, ये देखो वो पूरा रिफ्लेक्टिव बोर्ड जो है वो पूरा चमक रहा है हाई बीम के ऊपर। सो ये अपनी लो बीम है, बिल्कुल भी ऑनकमिंग को ट्रैफिक को इशू उनके आईज में स्ट्रेन नहीं डालेगी। सो ये कट ऑफ जो है ना मैंने प्रॉपरली एडजस्ट कर लिया है उसी हिसाब से, ये देखो जैसे मैं ऐसे करूँगा, ये देखो रिफ्लेक्टिव बोर्ड जो है ये अपना ऐसे राइट अप हो रहा है। सो गाइज ये थी अपनी ओवरऑल जर्नी आपके साथ, मैंने शेयर कर दी एक्सीडेंट से होने तक भाई ये अपने रिपेयरिंग तक कि क्या क्या चीज़ रही। सो फाइनली अपनी जो कार है वो फुली रेडी हो चुकी है और अब भाई रात को मैं आराम से सो पाऊँगा, मेरी रातों की नींद वापस आ जाएगी। सो बस यही था यार आज की वीडियो में, मिलते हैं गाइस फिर ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गाइस टेक केयर एंड सी या। अब ये देखो यार यहाँ से ना चेकआउट कर लो, ये देख रहे हो नीचे नीचे ये बीम, बिल्कुल भी इशू नहीं होने वाला ऑनकमिंग ट्रैफिक को।